हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास ऑफ विकासर, द फाइनेस्ट एंड इजीएस्ट वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स। आई एम बैक विथ माय न्यू वीडियो। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट आईएमपी टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, रे ऑप्टिक्स। बच्चों, आज हम रे ऑप्टिक्स का एक सबसे मोस्ट आईएमपी टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म से कैसे रिफ्रैक्शन होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों, इस टॉपिक में आपको दो टाइप्स की थियोरी पूछी जाती है एग्जाम में। द फर्स्ट वन इज द कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, एंड सेकंड वन इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड प्रिज्म एंगल। कई बार बच्चों 4 मार्क्स में ये पूरी थियोरी आ जाती है, डिस्क्राइब द डिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, और वी कैन से ऐसे भी पूछा जाता है, एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो बच्चों, सबसे पहले हम फर्स्ट वाली थियोरी कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ द एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन एंगल का हम एक्सप्रेशन निकालेंगे, डेविएशन एंगल को कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए एक एक्सप्रेशन निकालेंगे। चलो तो बात करते हैं। एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड वी हैव वन प्रिज्म, हमारे पास एक प्रिज्म है। प्रिज्म की दो, एक्चुअली यहाँ पे हमें दो सरफेस दिख रही है। फर्स्ट सरफेस ए बी पे एक रे ऑफ लाइट पी क्यू इंसिडेंट होती है। बच्चों, हम जनरली क्या करते हैं, हम सरफेस पे जिस पॉइंट पे लाइट रे इंसिडेंट होती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो हियर फॉर सरफेस ए बी, फॉर फेस ए बी ऑफ प्रिज्म, दिस पॉइंट क्यू इज अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने इस सरफेस, इस फेस ए बी पे क्या किया, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्यू पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। आप यहाँ पे ग्रीन मार्कर देख सकते हो, यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया। अब बच्चों, हमें पता है द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो बच्चों, ये वाला एंगल हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको हमने स्मॉल आई से इंडिकेट किया। अब बच्चों, ध्यान से सुनना, अब ये वाला मीडियम था रेरर मीडियम, जहां से लाइट रे आई, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ईटा वन जितना, और ये जो प्रिज्म है उस प्रिज्म का जो एयर से डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ईटा टू जितना, एंड हियर ईटा टू इज ग्रेटर देन ईटा वन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। फर्स्ट वाला है एयर मीडियम, जहां से लाइट आई। बच्चों, अब हमें रिफ्रैक्शन का फिनोमिना पता है, और रिफ्रैक्शन फिनोमिना में हमने कुछ बात ऑब्जर्व की थी। When the ray of light incident from rarer medium to denser medium, it is slightly bent towards the normal. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, light ray यहाँ से आने वाली light ray PQ ऐसे जाना चाहती थी, but उसके path में एक denser medium आ गया, तो according to law of refraction, वो अपने actual path से कुछ shift हुई, कुछ bend हुई towards the normal। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ ऐसे जाना चाहती थी, टूवर्ड्स द नॉर्मल कुछ बैंड हुई, एंड दिस रे क्यू आर इज अवर रिफ्रैक्टेड रे। तो आप देख सकते हो, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फॉर फर्स्ट फेस, फर्स्ट सरफेस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ, सो इसको हमने कैपिटल स्मॉल आर वन से डिनोट कर लिया। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। फिर से एक बार, लाइट रे पी क्यू ऐसे जाना चाहती थी, बट बीच में प्रिज्म आ गया, तो रे, ये जो रे पी क्यू है वो रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर गई, तो वो अपने एक्चुअल पार्ट से कुछ शिफ्ट हुई टुवर्ड्स नॉर्मल, एंड द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर फर्स्ट फेस। सो हमने उसको आर वन नाम दे दिया। एक दूसरी बात ध्यान से सुनना, लाइट रे ऐसे जाना चाहती थी बट वो ऐसे गई, दैट मीन्स उसने कुछ डेविएशन हुआ, उसका कुछ डेविएशन हुआ, सो उसको हमने डेविएशन एंगल डेल्टा वन कह दिया। फिर से एक बार,
लाइट रे ऐसे जाना चाहती थी, वो ड्यू टू रिफ्रैक्शन फिनोमिना वो ऐसे चली गई, दैट मीन्स उसने अपने एक्चुअल पार्ट से कुछ शिफ्ट हुई। दिस शिफ्टिंग इज नोन एज डेविएशन। फर्स्ट सरफेस ने डेविएशन किया, सो डेविएशन फॉर फर्स्ट सरफेस, सो दिस एंगल इज नोन एज डेल्टा वन। आई होप ये बात समझ में आई होगी। चलो अब ध्यान से सुनना, अब ये वाली जो रिफ्रैक्टेड रे है, द रिफ्रैक्टेड रे फॉर सरफेस ए बी सर्व्स एज द इंसिडेंट रे फॉर सरफेस ए सी। तो ये वाली जो क्यू आर रे है वो सरफेस ए सी के लिए इंसिडेंट रे बनी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे वो इंसिडेंट हुई, सो फॉर सरफेस ए सी पॉइंट आर इज अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, इस सरफेस पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। तो ध्यान से सुनना, लाइट रे ऐसे जाना चाहती थी, बट व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम अगेन इट इज बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये था नॉर्मल, नॉर्मल से अवे हो गई, ऐसे जाना चाहती थी ऐसे गई, नॉर्मल से अवे गई। सो दिस रे इज नोन एज इमर्जेंट रे, दिस रे इज अवर इमर्जेंट रे। सो इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंट, विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई। दिस इज अवर इंसिडेंट रे। ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे, तो यहाँ पे एंगल बना इंसिडेंट एंगल। ये वाली हो गई हमारी इमर्जेंट रे, तो यहाँ पे एंगल हुआ एंगल ऑफ इमर्जेंट। ओके चलो अब ध्यान से सुनना, अगर लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट करते हम, ध्यान से सुनना, हमने लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट की, बट अगर हम रिवर्सिबिलिटी, आपको पता है लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी कि अगर हम किसी लाइट रे को रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करते हैं, तो वो रेरर से डेंसर पे जाने में वो अपने एक्चुअल पार्ट से जितना डेविएट होती है उतना ही डेविएशन जब वो डेंसर से रेरर में आती है तब उतना ही डेविएट होती है। दैट मींस यहाँ पे एक लॉ फुलफिल हुआ रिवर्सिबिलिटी का, कि अगर हमने लाइट रे को यहाँ से इंसिडेंट किया होता तो ये हमारा, ये जो पूरा एंगल है वो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाता। तो लाइट रे यहाँ से कुछ डेविएट होती, यहाँ से ऐसे जाना चाहती थी, कुछ डेविएट होती, तो हमने फॉर सेकंड सरफेस इस एंगल को डेविएशन एंगल कह दिया। अगर ये इंसिडेंट रे होती तो ये वाला रिफ्रैक्टेड रे होता। सो रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में एक एंगल फॉर्म हुआ जिसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर सेकंड सरफेस, दैट इज आर टू। ओके बच्चों अब ध्यान से सुनना, लाइट रे पी क्यू एक्चुअली इस पाथ पे जाना चाहती थी, बट वो इतना शिफ्ट होके आर एस पाथ पे चली गई। डेट मीन्स उसने यहां से यहां तक का क्या किया, उसने यहां से यहां तक का डेविएशन किया। अब ध्यान से सुनना, इफ वी एक्सटेंड दिस इमर्जेंट रे आर एस, तो देखो यहां पे अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो वो यहां पे मिलता है इस लाइन को, तो यहां पे जो एंगल फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल डेविएशन एंगल। सो दिस डेल्टा इज डेविएशन एंगल। कैसा एंगल बच्चों, डेविएशन एंगल, तो टोटल डेविएशन इतना हुआ, तो दिस डेल्टा इज अवर डेविएशन एंगल। चलो बच्चों अब हम फर्स्ट देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। तो बच्चों आप यहां पे इस फिगर में, आप इस डायग्राम में एक क्वाड्रिलेटरल देख रहे हो, क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर। तो यहां पे हम लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर, क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर। अब बच्चों क्वाड्रिलेटरल के लिए हमें पता है उसके सभी एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री होता है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं। एक दूसरी बात, फोर एंगल यहां पे फॉर्म हो गए, एक ए वाला, एक यहां पे ये वाला फॉर्म हुआ, एक यहां पे ये वाला फॉर्म हुआ, एक यहां पे ये वाला फॉर्म हुआ। सो यहां पे हम लिख सकते हैं मेजर एंगल ए,
मेजर एंगल ए प्लस 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 ए क्यू एन प्लस मेजर एंगल ए क्यू एन प्लस मेजर एंगल क्यू एन आर प्लस मेजर एंगल क्यू एन आर प्लस मेजर एंगल ए आर एन ए आर एन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके अब बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर इफ वी ऑब्जर्व दिस डायग्राम देन दिस एंगल ए क्यू एन इज अ नॉर्मल, यहां पे नॉर्मल, यहां पे एंगल 90 डिग्री फॉर्म होता है तो ऑब्वियसली यहां पे भी 90 डिग्री फॉर्म होगा। सेम एज अगर यहां पे 90 डिग्री फॉर्म होता है, हमने यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये वाला पूरा एंगल भी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। सो यहां से हम लिख सकते हैं वी नो दैट मेजर एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू मेजर एंगल ए क्यू एन इज इक्वल टू मेजर एंगल ए आर एन, बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। सो यहां पे हम फिर से ऊपर वाले इक्वेशन को रीराइट करेंगे। सो मेजर एंगल ए प्लस यहां पे हम लिख सकते हैं ए क्यू एन की जगह पे 90 डिग्री प्लस मेजर एंगल क्यू एन आर प्लस ए आर एन की जगह पे फिर से लिख सकते हैं 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल क्यू एन आर प्लस 90 प्लस 90 दैट इज 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, 360 एज इट इज राइट हैंड साइड पे, अगर ये 180 राइट हैंड साइड पे जाता है तो -180 हो जाएगा। सो 360 -180 सो हमें मिलेगा 180 डिग्री। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर वन, हमें एक इक्वेशन मिला, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर वन, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर वन। चलो अब हम क्या करते हैं, अब हमें एक ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, ट्रायंगल क्यू एन आर। तो ट्रायंगल के लिए हमें पता है द एडिशन ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स इन द केस ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। सो फ्रॉम इन ट्रायंगल क्यू एन आर देखो आप ट्रायंगल क्यू एन आर को, सो यहां पे क्यू एन आर मीन्स ये वाले ट्रायंगल की बात हो रही है। सो एंगल आर वन प्लस आर टू प्लस, सो यहां से हम लिख सकते हैं एंगल आर वन प्लस एंगल आर टू प्लस मेजर एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू द एडिशन ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स फॉर ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर टू, ये हो गया बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर टू, ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर टू। चलो बच्चों अब ध्यान से सुनना, अब इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू की राइट हैंड साइड पे 180 डिग्री है, सो हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन एंड टू को कंपेयर करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन वन दैट इज मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर टू आर वन प्लस आर टू
प्लस मेजर एंगल क्यू एन आर। चलो आप यहां पे देख सकते हो दोनों में मेजर एंगल क्यू एन आर कॉमन है, सो कैंसल आउट ऑन बोथ साइड्स। सो यहां से हम लिख सकते हैं मेजर एंगल एक ही जगह पे बच्चों हम लिखेंगे कैपिटल ए ओनली। सो ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हमें मिला आर ए इज इक्वल टू वेयर ए इज अ प्रिज्म एंगल, वेयर प्रिज्म एंगल ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर थ्री। हमने एक रिलेशन निकाला प्रिज्म एंगल ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। चलो बच्चों अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर हम ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करें ट्रायंगल एम क्यू आर, सो इन ट्रायंगल एम क्यू आर दिस डेल्टा इज द एक्सटीरियर एंगल। देखो यहां पे एम क्यू आर जो ट्रायंगल दिख रहा है यहां पे आपको उसके आउटसाइड एंगल है ये डेल्टा, और एक्सटीरियर एंगल होता है द एडिशन ऑफ टू अपोजिट एंगल। सो यहां से हम लिख सकते हैं फॉर ट्राइंगल इन ट्राइंगल क्यू एम आर डेल्टा इज एक्सटीरियर एंगल, डेल्टा इज एक्सटीरियर एंगल। सो एक्सटीरियर एंगल इज अ सम ऑफ टू इन टू इंटरनल और हाँ टू दैट मीन्स टू इंटरनल अपोजिट एंगल। सो यहां से हम लिख सकते हैं सो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। फिर से एक बार दिस डेल्टा इज द एडिशन ऑफ डेल्टा वन एंड डेल्टा टू अपोजिट एंगल। सो यहां से हमें एक दूसरा इक्वेशन मिला, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फोर। यहां पे बच्चों बहुत सारे इक्वेशन आएंगे, ओके दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फोर। अब बच्चों हमें यहां पे डेल्टा वन की एंड डेल्टा टू की वैल्यू रखनी है इन द फॉर्म ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड इमर्जेंट एंगल। तो कैसे लिखेंगे कैसे लिखेंगे कैसे लिखेंगे कैसे लिखेंगे, चलो एक काम करते हैं डेल्टा वन पहले फाइंड करते हैं। तो आप यहां पे डेल्टा वन देख सकते हो बच्चों। अब देखो यहां पे ये वाला जो एंगल है आई एंगल, ये पूरा एंगल वो ही एंगल होगा, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस आर वन लिख सकते हैं। कुछ ऐसा दिख रहा है ये एंगल जितना होगा वो ही वाला एंगल होगा। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये डेल्टा वन है, ये आर वन है, ये पूरा एंगल ऑफ इंसिडेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा आई इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस आर वन होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रॉम फिगर आई इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस आर वन, आई इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस आर वन। ओके चलो हम यहां पे किसको सब्जेक्ट बनाएंगे, डेल्टा वन को बना ले। चलो सो यहां से हम लिख सकते हैं डेल्टा वन इज इक्वल टू आई माइनस आर वन, डेल्टा वन इज इक्वल टू आई माइनस आर वन। सेम एज फ्रॉम दिस साइड ई इज इक्वल टू डेल्टा टू प्लस आर टू, सो ई इज इक्वल टू डेल्टा टू प्लस आर टू। यहां से हम आर टू फाइंड करते हैं सो आर टू इज इक्वल टू आर टू हो जाएगा ई माइनस डेल्टा टू फाइंड करते हैं सो यहां से डेल्टा टू हो जाएगा डेल्टा टू इज इक्वल टू ई माइनस आर टू। चलो इक्वेशन फोर में सब दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, सो फ्रॉम इक्वेशन फोर में हम यहां से डेल्टा वन की यहां से डेल्टा टू की वैल्यू पुट करते हैं। सो डेल्टा इज इक्वल टू ध्यान से सुनना डेल्टा वन की वैल्यू चलो यहां पे हम बॉक्स कर लें सो डेल्टा वन की यहां पे वैल्यू पुट करेंगे आई माइनस आर वन। ओके चलो
प्लस डेल्टा है, सो हम यहाँ पे प्लस की वैल्यू साइन रखेंगे, डेल्टा टू, डेल्टा टू की वैल्यू यहाँ पे यहाँ से लिखेंगे ई माइनस आर टू। सो इसको थोड़ा रीराइट करते हैं, सो आई एज इट इज, यहाँ पे प्लस की साइन है सो प्लस ई लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे दोनों में माइनस कॉमन है, सो यहाँ से हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, आर वन प्लस आर टू, क्या लिख सकते हैं, आर वन प्लस आर टू। फिर से एक बार, यहाँ पे आई एज इट इज प्लस ई एज इट इज, यहाँ पे माइनस कॉमन है सो माइनस हमने कॉमन ले लिया, हमने ब्रैकेट में लिखा आर वन प्लस आर टू। सो डेल्टा इज इक्वल टू आई, सॉरी अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वेशन नंबर थ्री हमें ऐसा कह रहा है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग आर वन प्लस आर टू वी कैन राइट ए, वेर ए इज प्रिज्म एंगल। सो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में बच्चों, ध्यान से कौन से इक्वेशन में, कहाँ पे चला गया, इक्वेशन नंबर थ्री, फ्रॉम इक्वेशन थ्री, इक्वेशन थ्री में वैल्यू पुट करते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन थ्री डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई, इक्वेशन थ्री में पुट नहीं करते, इक्वेशन थ्री की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, सो आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू की जगह पे हम लिखेंगे ई। सो दिस इज द मोस्ट आईएमपी रिलेशन, दिस इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ प्रिज्म, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फाइव, दिस इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ प्रिज्म, इक्वेशन ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का क्या हो गया बच्चों, ये इक्वेशन हो गया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट एंड प्रिज्म एंगल। सो यहां से हम लिख सकते हैं रिलेशन ऑफ, दिस इज अ रिलेशन ऑफ, रिलेशन बिटवीन, बिटवीन डेल्टा आई ई एंड ए, वेयर आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, ई इज एंगल ऑफ इमर्जेंट, ए इज प्रिज्म एंगल ऑफ गिवन प्रिज्म एंड डेल्टा इज डेविएशन एंगल। सो बच्चों फर्स्ट वाली जो थ्योरी थी हमारी, कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, ओके चलो अब बात करते हैं यहाँ इस वाली थ्योरी की, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, पूरी वही थ्योरी है बट अब इसकी बात करते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड प्रिज्म एंगल। चलो बच्चों अब ध्यान से सुनना हाँ, इफ वी ऑब्जर्व दिस इक्वेशन नंबर फाइव केयरफुली देन वी रियलाइज दैट दिस एंगल ऑफ डेविएशन इज डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंट। देखो यहां पे अगर i की वैल्यू चेंज होगी, e किस पे डिपेंड करता है, e तो i पे डिपेंड करता है, प्रिज्म एंगल a गिवन प्रिज्म का जो प्रिज्म एंगल है वो तो कांस्टेंट होगा, वो थोड़ी चेंज होने वाला है, एक बार प्रिज्म बन गया तो प्रिज्म का प्रिज्म एंगल फिक्स हो गया। सो i की अकॉर्डिंग e की वैल्यू चेंज होगी, सो यहां पे सबसे पहले क्या चेंज होगा, तो डेल्टा चेंज होगा, सो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा depends on the angle of incident, आप यहां से लिख सकते हो from equation 5 angle of deviation delta depends upon depends upon angle of incident I, angle of incident I। अब बच्चों देखो ध्यान से, अगर हम incident angle, अगर हम deviation angle against incident angle का graph draw करें, ध्यान से सुनना, अगर हम deviation angle against इंसिडेंट एंगल का ग्राफ ड्रॉ करें, दिस इज इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल आई एंड ये हो गया डेविएशन एंगल डेल्टा, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा।
अब बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, एक एक इंसिडेंट एंगल की एक वैल्यू ऐसी होगी जिसकी जिससे जिससे मिलने वाला जो डेविएशन है वो सबसे कम मिलेगा। जो ध्यान से सुनना, इंसिडेंट एंगल के अकॉर्डिंग में हमने यहां पे क्या लिखा, एंगल ऑफ डेविएशन इज डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंट। सो डिफरेंट डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट पे डेविएशन एंगल की वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट मिलती जाएगी। इंसिडेंट एंगल की एक वैल्यू ऐसी मिली जिस पे यहां पे मिलने वाला जो डेविएशन है, डेविएशन मिनिमम कब मिलेगा, ये आने वाली लाइट ऐसे जा रही थी, वो ऐसे मुड़ गई, ऐसे चली गई, ऐसे जाना चाहती थी, ऐसे चली गई, तो इतना डेविएशन मिला। डेविएशन एंगल कम कब हो सकता है, यहाँ पे जाने वाली लाइट ऐसे नहीं, थोड़ा सा स्लाइडली मुड़ती, दैट मीन्स ऐसे नहीं, अगर ऐसे ही चली जाती तो डेविएशन मिनिमम होता। एक एंगल ऑफ इंसिडेंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ऐसा देखा गया कि मिलने वाला जो डेविएशन है वो कैसा मिलता है, मिनिमम मिलता है। एंड जब डेविएशन मिनिमम मिलता है, बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, एंड जब डेविएशन मिनिमम मिलता है तब एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू एंगल ऑफ इमर्जेंट जितनी मिलती है। सो यहां पे लिख सकते हैं फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन एक कंडीशन यहां पे फुलफिल कर होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट और दिस एंगल इज नोन एज मिनिमम एंगल। ओके, दिस एंगल इज नोन एज मिनिमम एंगल एंड यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट हो जाएगा। ओके बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, डिफरेंट डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट पे हमें एंगल ऑफ डेविएशन भी डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे दिस अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। एक पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल के लिए ऐसा देखा गया कि भाई जो डेविएशन हो रहा था वो सबसे मिनिमम हुआ एंड तब एंगल ऑफ इंसिडेंट था उतना ही हमें एंगल ऑफ इमर्जेंट भी मिला। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट, तब ये जो डेविएशन था वो मिनिमम डेविएशन हो गया। सो यहां से हम लिखेंगे मिनिमम डेविएशन मिनिमम डेविएशन जिसको हम डीएम, हमारी एनसीईआरटी टेक्स्टबुक हमें कहती है मिनिमम डेविएशन को हम डेल्टा एम नहीं बट डीएम से इंडिकेट करते हैं। कोई डोंट वरी, हमें क्या टेंशन है, हम डीएम से डिनोट कर लेते हैं, दिस इज अ मिनिमम डेविएशन। सो आई इज इक्वल टू सो प्लस आई, अब देखो यहां पे प्लस ई, ई की जगह पे हम आई लिख सकते हैं बिकॉज फॉर मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल एंगल ऑफ इमर्जेंट। सो यहां से हम आई की जगह पे भी क्या सॉरी ई के जगह पे भी क्या लिख लेंगे, आई लिख लेंगे, माइनस ए एज इट इज। सो यहां से हम लिख सकते हैं मिनिमम डेविएशन डी एम इज इक्वल टू टू टाइम्स आई माइनस ए, टू टाइम्स आई माइनस ए। अब बच्चों देखो, हम इस ए को यहां पे लाते हैं, सो यहां पे हमें मिलेगा मिनिमम डेविएशन डी एम प्लस ए इज इक्वल टू टू टाइम्स आई, यहां से हम आई को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो आई इज इक्वल टू हमें मिलेगा मिनिमम डेविएशन डी एम प्लस प्रिज्म एंगल ए डिवाइडेड बाय टू, दिस इज ऑल्सो मोस्ट आईएमपी इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन नंबर 6 दे देते हैं। ओके बच्चों, चलो इसको हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 6 दे दिया। चलो अब ध्यान से सुनना, रिफ्रैक्शन दो सरफेस से हुआ, एक तो सरफेस एबी से लाइट रिफ्रैक्ट हो गई, सेकंड टाइम सरफेस एसी से लाइट रिफ्रैक्ट हो गई। तो जिस पॉइंट से लाइट रिफ्रैक्ट नॉट डिफ्रैक्ट इज माई मिस्टेक लाइट रिफ्रैक्ट हुई तो उस पॉइंट पे हम स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। सो यहां से हम लिख सकते हैं स्नेल्स लॉ एट पॉइंट
पॉइंट क्यू. सबसे पहले हम क्यू पे लगाते हैं. सो स्नेल्स लॉ एट पॉइंट क्यू. स्नेल्स लॉ क्या कहता है? फर्स्ट वाला रिफ्रैक्ट इंडेक्स ईटा वन साइन आई इज इक्वल टू ईटा टू साइन आर वन. बच्चों स्नेल्स लॉ हम लिखते हैं रिफ्रैक्शन फिनोमिना के लिए. सो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच का हमें रिलेशन मिलता है. सो यहां से हम लिख सकते हैं ईटा वन साइन आई इज इक्वल टू ईटा टू साइन आर वन. हमें एक दूसरा इक्वेशन मिला जिसको भी हम एक इक्वेशन दे देते हैं. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेवन. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेवन. बच्चों सेम हम Q के R पे भी लगा सकते हैं. सो स्नेल्स लॉ एट पॉइंट R. स्नेल्स लॉ एट गिवन पॉइंट R. चलो R पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो ये जो इमर्जेंट एंगल, अब लाइट यहां से इंसिडेंट हो रही है ऐसा कंसिडर करो, तो यहां पे जो ये एंगल ऑफ इमर्जेंट बना वो किस मीडियम में बना? ईटा वन में. तो यहां पे हम लिख सकते हैं ईटा वन साइन ई इज इक्वल टू. चलो अब ये जो आर टू बना वो कौन से एंगल कौन से मीडियम में बना? ईटा टू में. सो ईटा टू साइन आर टू. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर एट. बच्चों ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर एट. ओके चलो अब देखो ध्यान से. फॉर मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट. तो यहां पे देखो यहां पे ईटा वन साइन आई है, यहां पे ईटा वन साइन ई है. ध्यान से यहां पे ईटा वन साइन आई है, यहां पे ईटा वन साइन ई है. फॉर मिनिमम डेविएशन एंगल, फॉर मिनिमम डेविएशन ऑफ इंसिडेंट लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल एंगल ऑफ इमर्जेंट. दैट मींस ये वाला पोर्शन इक्वेशन सेवन की लेफ्ट हैंड साइड एंड इक्वेशन नंबर एट की लेफ्ट हैंड साइड सेम है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन. सो यहां से हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेवन एंड एट, फ्रॉम इक्वेशन सेवन एंड एट दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी सेम होगी. सो यहां से हम लिखेंगे ईटा टू साइन आर वन इज इक्वल टू ईटा टू साइन आर टू. चलो दोनों साइड्स पे सबसे पहले तो ईटा टू कैंसल आउट हो जाएंगे. अब देखो साइन आर वन एंड साइन आर टू की वैल्यू सेम है, दोनों के साइन की वैल्यू सेम है सो दोनों एंगल भी सेम हो गए. सो यहां से हम लिख सकते हैं आर वन इज इक्वल टू आर टू. हमें एक दूसरा रिलेशन मिला आर वन इज इक्वल टू आर टू. फॉर मिनिमम डिविएशन एंगल आर वन इज इक्वल टू आर टू. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर नाइन. इसको हमने इक्वेशन नंबर नाइन दे दिया. चलो बच्चों अब मेरी बात ध्यान से सुनना. अब हम इस इक्वेशन नंबर नाइन की वैल्यू को यहाँ पे रखें. ध्यान से सुनना आर वन एंड आर टू बोथ आर सेम. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगर आर वन एंड आर टू सेम है तो लिख सकते हैं आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर. भाई आर वन भी नहीं लिखना है, आर टू भी नहीं लिखना है, बिकॉज बोथ आर सेम. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग आर वन एंड आर टू वी कैन राइट ओनली आर. अब यहां पे हम इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन थ्री, फ्रॉम इक्वेशन थ्री. इक्वेशन थ्री को देखते हैं बच्चों हम यहां पे. तो इक्वेशन थ्री हमें क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट ए सॉरी ए इज इक्वल टू प्रिज्म एंगल ए इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू. आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर. सो यहां पे भी आर, यहां पे भी आर, तो आर प्लस आर सो टू टाइम्स आर. सो यहां से हम आर फाइंड करेंगे. सो आर इज इक्वल टू ए बाई टू. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर टेन. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर टेन. अब बच्चों हमें इक्वेशन नंबर नाइन और टेन की वैल्यू को क्या करना है? इक्वेशन नंबर सेवन में या तो इक्वेशन नंबर एट में आपको जो सही लगे उस इक्वेशन में आप रख सकते हो. हम यहां पे सेवन में रखेंगे. सो फ्रॉम इक्वेशन सेवन
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन 7 में हम इस वैल्यू को रखते हैं। सो ईटा 1 एज इट इज, ईटा 1 ध्यान से सुनना, साइन ईटा 1 साइन, आई की जगह पे हम लिख सकते हैं कहां पे चला गया आई। देखो यहां पे इक्वेशन नंबर 6 है, यहां पे आई की वैल्यू है। सो आई की जगह पे हम लिख सकते हैं मिनिमम डेविएशन डीएम प्लस प्रिज्म एंगल ए होल डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे हम लिखेंगे मिनिमम डेविएशन एंगल डीएम प्लस प्रिज्म एंगल ए होल डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ईटा 2 साइन आर 1। बट साइन आर 1 इज इक्वल टू आर 2 इज इक्वल टू आर, एंड आर की जगह पे हम लिख सकते हैं ए बाय 2। सो यहां पे हम लिखेंगे ए बाय 2। फिर से एक बार बच्चों हमने क्या किया, हमने एंगल ऑफ इंसिडेंट निकाला, दोनों पॉइंट पे पॉइंट क्यू एंड पॉइंट आर पे स्नेल्स लॉ अप्लाई किए तो हमें एक रिलेशन मिला आर 1 इज इक्वल आर 2। दोनों सेम है तो हमने कंसिडर कर लिया आर 1 इज इक्वल आर 2 इज इक्वल आर। इसको देखा अच्छे से तो हमें पता चला कि 3 में रख देते हैं दोनों की वैल्यू। सो ए इज इक्वल टू आर प्लस आर, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर। सो आर इज इक्वल टू ए बाई 2। एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू हमने 7 या तो 8 में आपको जो अच्छा लगे उसमें आप रख सकते हो, रिलेशन यहां पे सेम मिलेगा। ओके रख दी तो हमें कुछ ऐसा रिलेशन मिला। ओके बच्चों चलो अब आप पहले ये लिख लो, हमें मिटाना है, आप पहले ये लिख लो, हम ये पूरा डायग्राम मिटाएंगे, पहले देख लो डायग्राम की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना। ओके डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगी, मिटा दो। चलो लिख लो, इसको मिटा देते हैं। चलो बच्चों हमें एक रिलेशन क्या मिला, ईटा 1 साइन मिनिमम डेविएशन डीएम प्लस प्रिज्म एंगल ए डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ईटा 2 साइन ए बाय 2। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर कैलकुलेशन आता है तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, यहां पे लिखा था वो ड्रॉ करना है एंड यहां तक प्रूफ करना है। ओके बट इफ यू टॉक अबाउट द डेविएशन, मिनिमम डेविएशन एंगल, तो आपको ये वाली यहां से यहां तक भी लिखना है, ये पूरा लिखना है, ये वाला लाना है। लाते हैं अभी मिनिमम डेविएशन का रिलेशन। चलो तो फिर से इस वाले को यहां पे लिख लेते हैं। चलो बच्चे काम करते हैं, यहां पे हम ईटा 2 को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो यहां पे लिखेंगे ईटा 2 को सब्जेक्ट बनाते हैं, देयरफॉर ईटा 2 इज इक्वल टू, कैमरे में आ रहा है, ओके गुड। चलो सो ईटा 2 इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, ईटा 1 साइन डीएम प्लस प्रिज्म एंगल ए होल डिवाइडेड बाय 2। अब ईटा 2 को सब्जेक्ट बनाएंगे, ये भी क्या कहां पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, सो डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। अगर ईटा 1 को यहां पे ले आए हम तो क्या लिख सकते हैं, ईटा 2 डिवाइडेड बाय ईटा 1 इज इक्वल टू साइन डीएम प्लस ए होल डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। ओके हमने ईटा 1 को यहां पे ले आया। अब बच्चों ईटा 2 डिवाइडेड बाय ईटा 1 को हम क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ईटा 2 1 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, फिर से इसको रीराइट कर लेते हैं, सो साइन डीएम प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2। अब बच्चों यहां पे ध्यान से सुनना, अब हमें यहां पे एक मस्त एजम्पशन लेने वाले हैं। देखो यहां पे इफ दिस एंगल डीएम प्लस ए डिवाइडेड बाय 2 एंड ए बाय 2 आर वेरी स्मॉल, इफ एंगल्स आर वेरी स्मॉल
angles are very small. अगर angles very small है तो हम एक relation लिख सकते हैं sin theta is approximately theta. अगर angle बहुत छोटा है तो हम sin theta is approximately theta लिख सकते हैं. So यहाँ पे हम लिखेंगे eta 21 is equal to sin theta. Theta की जगह पे हम only theta ही लिख सकते हैं. So dm plus a divided by 2 whole divided by a divided by 2. अब बच्चों ध्यान से सुनो, ये वाला जो 2 है वो न्यूमेरेटर का डिनोमिनेटर है, सो डिनोमिनेटर में चला जाएगा. ये वाला जो 2 है वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, सो वो न्यूमेरेटर में चला जाएगा. सो यहां से हम इक्वेशन लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू dm प्लस a डिवाइडेड बाय a. ओके, इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू dm डिवाइडेड बाय a प्लस a डिवाइडेड बाय a. लिख सकते हैं ये किसके डिनोमिनेटर में है, dm के भी है a के भी है. सो हमने दोनों को इंडिविजुअली लिख लिया. सो यहां से हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू मिनिमम डेविएशन ए डीएम डिवाइडेड बाय प्रिज्म एंगल ए प्लस ए बाय ए इज इक्वल टू 1. ओके, चलो अब हम क्या करते हैं बच्चों, हम इस 1 को यहां पे ले आते हैं. सो ईटा 21 माइनस 1 इज इक्वल टू डीएम डिवाइडेड बाय ए. सो यहां से हम मिनिमम डेविएशन का रिलेशन लिखेंगे. मिनिमम डेविएशन डीएम को सब्जेक्ट बनाते हैं. सो मिनिमम डेविएशन एंगल डीएम इज इक्वल टू ए, यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो यहां से हम लिख सकते हैं इटा 21 माइनस 1 इंटू कैपिटल ए. बच्चों ये हो गया हमारा लास्ट एंड फाइनल इक्वेशन, इक्वेशन फॉर मिनिमम डेविएशन. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 11. ओके बच्चों, अब ध्यान से सुनना, इटा 21 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इटा 2 बाई इटा 1. फर्स्ट मीडियम कौन सा है, चलो इसको भी थोड़ा लिख लेते हैं. यहां पे स्पेस है. इफ इटा 1 इज इक्वल टू 1, अगर इटा 1 एयर है एंड इटा 2 का रिफ्रैक्ट इंडेक्स अगर इटा जितना है, तो अकॉर्डिंग टू अवर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हम लिख सकते हैं dm इज इक्वल टू, देखो इटा 21 की जगह पे इटा 2 बाई इटा 1, इटा 1 की वैल्यू 1 है, सो इटा 2 की वैल्यू क्या लिखते हैं हम, इटा. सो इटा माइनस 1 इंटू ए. दिस इज अवर लास्ट एंड फाइनल इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2. ओके, सो आज हमने एक बढ़िया सी थियोरी बढ़िया तरीके से सॉल्व की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. अगर आपको समझ में आए, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन. एंड अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ये जो चैप्टर्स है बच्चों वो बोर्ड में सबसे ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर हैं. तो एक भी लेक्चर आपको मिस नहीं करना है. कब मिस नहीं करोगे, अगर आप सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को हिट कर दोगे, बेल आइकन को प्रेस कर दोगे, तो सभी वीडियो जब अपलोड होगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी. तो आप इजीली कोई भी वीडियो मिस करने से पहले आप देख सकते हो. ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. तब तक डू व्हाटएवर यू वांट बट डोंट ट्रबल योर मॉम. थैंक यू.